तो आज हम बात जी मैं करेंगे। जी तो मैं सभी का बहुत स्वागत करता हूँ आज की इस वार्तालाप में, इस बातचीत में। मैं अरुण बंसल, सोशल सब्सटेंस से। आज की इस बातचीत बड़ी खास, एक अहम मुद्दे पर बातचीत हम लेकर आए हैं। अभी वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया गया, तो हमने सोचा क्यों ना इसको एक्सटेंड करके एक वीक मनाया जाए, एक हफ्ता पूरा स्पैरो चिड़िया गौरैया को डेडिकेट किया जाए और इसके ऊपर चर्चा की जाए। बहुत सारे पहलुओं पर चर्चा करनी बनती है, सिर्फ सेलिब्रेट करना ही इसका पर्पज़ नहीं है, कुछ जश्न मना लेना, लेकिन जश्न मनाने के बाद उसका करना क्या, बहुत सारे सवाल हमारे पास पेंडिंग हैं। और उन सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर कवलप्रीत जी जुड़े हुए हैं, श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज से वो आते हैं। और इसके अलावा सोसाइटी के बहुत एक अहम हिस्से का हिस्सा हैं वो, और बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ का भी पार्ट हैं। तो मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ कमलप्रीत में, और उम्मीद है कि आज का जो हमारा विषय है इसके ऊपर आप हमें जो बताएंगे, हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब भी आप हमें देंगे। इसके बाद मैं आपको इनवाइट करता हूँ मंच और माइक आपके पास, आपके वक्तव्य के बाद फिर हम लोग आपसे सवाल जवाब करेंगे। बिल्कुल, शुक्रिया अरुण जी। आज हम बात करने जा रहे थे कि स्पैरो, स्पैरो मींस गुरैया। गुरैया का मतलब क्या है? गुरैया का मतलब एक छोटी चिड़िया, एक बहुत ही छोटी सुंदर प्यारी चिड़िया जो कि अब हम नहीं देख पाते। तो उसके लिए मैं आपको प्रेजेंट करना चाहूंगी अपनी प्रेजेंटेशन भी। तो मैं पहले अपनी प्रेजेंटेशन भी आपके लिए आपको प्रेजेंट कर दूं, फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो डिक्लाइन इन नंबर ऑफ हाउस स्पैरोस एंड इंडिकेटर ऑफ कॉन्टिन्यूस डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि ये एक एनवायरनमेंट को कॉन्टिन्यूस डिग्रेडेशन भी, एक इसका असर भी स्पैरो पर भी हो रहा है, तो हमारे ऊपर भी इसका असर होगा। तो अगर ये इसकी हमारे पास चल जाती है तो हम इसकी आवाज सुन लेते हैं। आप सबने कभी ऐसी आवाज सुनी है? हाँ, तो ये है हमारी गौरैया। गौरैया मतलब स्पैरो, और स्पैरो मतलब छोटी, एक छोटी सी चिड़िया, और ये वाकई ही छोटी सी और बहुत ही प्यारी चिड़िया है। सो इसके बारे में हम जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एनवायरमेंट इज एन इश्यू ऑफ हाई कंसर्न। दोनों फ्लोरा एंड फौना प्रेजेंट ऑन द अर्थ, दे मे नॉट बी सेम टुमोरो बिकॉज ऑफ द चेंजिंग एनवायरमेंट। और ये जो चेंज हो रही है इसको कंजर्व करना हमारे लिए मस्ट हो गया। आज भी आप देख पा रहे हैं कि हमारी जो सर्दी है वो एकदम से गर्मी में तब्दील हो गई। बीच का कुछ टाइम नहीं था हमारे पास। जब पहले टाइम हुआ करता था तो पहले सर्दी होती थी, बीच में कुछ टाइम अच्छा स्प्रिंग का हुआ करता था और फिर गर्मी आती थी। तो आप इसी से अंदाजा लगाते जा रहे हो कि कितना क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, और वो सिर्फ स्पैरो पर ही नहीं हमारे ऊपर भी असर कर रहा है किसी ना किसी पर। तो अगर आप स्पैरो को पहचान पाए तो हमारे पास ये स्पैरो है छोटी सी। हाउस स्पैरो आर इंडिकेटर ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ ऑफ एन एरिया। कहते हैं कि इसका एनवायरमेंट कितना अच्छा है उस ये भी देखा जा सकता है स्पैरो के ऊपर। स्पैरो एक क्यों स्पैरो को क्यों एनवायरमेंट हेल्थ के साथ लिंक किया गया? क्योंकि ये स्पैरो कॉमनली हम इसको हाउस स्पैरो कहते हैं। हाउस स्पैरो का मतलब है ये हमारे घरों में हमारे साथ रहती है, तो हमारे साथ साथ ये इसने इवॉल्व किया था। बट आज की डेट में ये क्यों डिसअपियर हो गई इसके बारे में बात करना बहुत ही जरूरी हो गया था। और क्योंकि हमारा 20 मार्च जो है वो स्पैरो डे था, तो इसको हम आज बात करेंगे कि ये क्यों कम होती जा रही है। दिस डिसअपीयरेंस कुड बी लिंक्ड टू इकोलॉजिकल चेंज। ये एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इकोलॉजिकल चेंजेस हो रही है, पर हम ये एक छोटा सा इनिशिएटिव ले रहे हैं टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑन द डिमेंडलिंग नंबर ऑफ स्पैरोस एंड वेज टू सेव दिस टाइनी बर्ड्स। हाउस स्पैरो इज वन ऑफ द मोस्ट यूबिक्यूटस बर्ड्स, मींस ये सारी जगह हुआ करती थी पहले, हर जगह हर घर में हुआ करती थी। बट और ये हमारे साथ इवॉल्व की, बट आज की डेट में ये कुछ नंबर इसका डिक्लीट होता जा रहा है, और इसको हमने रेड लिस्ट में डाल दिया है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल 2012 में। 10 साल पहले इसको रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज में डाल दिया गया था।
सो इसका मतलब है कि इसकी कंजर्वेशन मस्ट हो चुकी है अब हमारे पास. और हमारे पास कहते हैं कि अराउंड 12% ऑफ इंडिया बर्ड्स आर फेसिंग एक्सटिंक्शन. सिर्फ स्पैरो ही नहीं, 12% इंडिया की जो बर्ड्स हैं उसमें एक्सटिंक्शन होती जा रही है. तो अगर हम देखें तो जो नेटिव रैंक है डार्क ग्रीन एरियाज में, वहां से स्पैरो है, और वहां से हमारे लाइट ग्रीन एरियाज में ये स्पैरो आई. तो हमारा एशिया का कितना सारा पार्ट ये डार्क ग्रीन एरिया है, यहां से स्पैरो शुरू हुई है. ये कुछ पेपर्स आने शुरू हो गए थे जब ये डिक्लाइनिंग नंबर होना शुरू किया, तो कहता है कि हाउ स्पैरोज एंड अदर कॉमन बर्ड्स आर डिक्लाइनिंग अक्रॉस द ग्लोब. ये रिपोर्टर बीबीसी न्यूज में इन्होंने रिपोर्ट किया 2008 में कि काफी ज्यादा नंबर ऑफ स्पैरोज डिप्लीट करते जा रही हैं. एंड देयर हैज बीन 70 to 80% डिक्लाइन इन सर्टेन प्लेसेस लाइक इंडिया, आंध्र प्रदेश, केरला, गुजरात, राजस्थान. और ये 70 to 80 विच इज क्वाइट हाई नंबर. हमेशा हमारी 10% 20% डिक्लाइन होती है, बट यहाँ पर हमारे पास 70 to 80% डिक्लाइन स्पॉन्टेनियसली देखा गया. Reasons could be, one of the reasons could be urban green deserts. हम कहते हैं कि हमने पौधे लगाए, हम कहते हैं हमने ट्री प्लांटेशन भी की, हमने फूल भी लगाए अपने गार्डन्स में, बट क्या हमने फूल जो फूल लगाए हैं अपने गार्डन्स में क्या वो नेटिव है? क्या हमने यहाँ के फूल लगाने की कोशिश की या सिर्फ एग्जॉटिक स्पीशीज लगा दी? अगर हम एग्जॉटिक स्पीशीज ही लगा रहे हैं तो वो हमारे फ्लोरा और फौना, फ्लोरा के ऊपर फौना डिपेंडेंट होता है. तो अगर हम एग्जॉटिक ही स्पीशीज लगाएंगे तो फौना वो नेटिव वाला नहीं रहेगा. स्लोली स्लोली इट हैज टू चेंज बिकॉज यू ऑल नो दैट ऑल लाइफ इज बॉटल्ड सनशाइन. इसका मतलब है कि हमारे जो लाइफ है वो सारी प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. हम कौन से प्लांट्स यहाँ लगाते हैं उसके ऊपर हमारे एनिमल्स फौना उसके ऊपर डिपेंड करेगा. तो हम क्या लगाते जा रहे हैं हम सोच भी नहीं रहे कि हमें बस सिर्फ सुंदर और डिफरेंट फूल देख के हम अपने गार्डन्स में लगा रहे हैं. अदरवाइज चंडीगढ़ में काफी ग्रीन एरिया है बट द गार्डन्स विच आर मेंटेन्ड इन द हाउसेस दे टिपिकली ग्रो एक्सोटिक प्लांट्स ओनली टिपिकली. सो वो हम उनको अर्बन ग्रीन डेजर्ट्स के नाम से कहा जाता है. तो एक उसने कहा कि रैपिड अर्बनाइजेशन हो रही है और अनप्लान्ड डेवलपमेंट है जिसके कारण हमारी ये गोरैया कम होती जा रही है. फार्म लॉ जो फार्म लैंड स्पैरोज हैं जो हमारे चिड़िया हमारे फील्ड्स में ग्रो करती थी वो क्यों इतनी ये क्यों नहीं रह रही है? क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस माने हम इतने सारे केमिकल्स यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं. चिड़िया ने तो कनक को धो के नहीं खाना ना, चिड़िया ने तो जैसे कनक लगी है वैसे ही खा लेनी है. अगर उसके ऊपर इतना सारा पेस्टिसाइड है तो चिड़िया के एग्स फर्टाइल नहीं रहते हैं एंड चिड़िया भी स्लोली स्लोली डिक्रीज करती रहती है जिसका कि नॉर्मल एज 3 इयर्स है. तो वो इतने सारे एग्स नहीं प्रोड्यूस कर पाती जितने उसको प्रोड्यूस करने चाहिए ताकि वो अपनी मेंटेन करके रखती अपनी अपना नंबर. दूसरा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो बिल्डिंग हमारी बन रही है आर्किटेक्चर इन इंडिया है वो मैच बॉक्स टाइप ऑफ बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं. मैच बॉक्स टाइप ऑफ बिल्डिंग से स्पैरो क्यों क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि स्पैरो हमारे घर के अंदर ही नेस्ट बनाती थी. अगर आप लिटरेचर पढ़ें तो हमारा स्पैरो का घर में नेस्ट बनाना एक शुभ शुभ आगमन माना जाता है. वो कहते हैं कि बहुत शुभ है आपका घर, बहुत शुभ है अगर आपके घर स्पैरो है. वास्तु भी इसको रेफरेंस देता है. बट अगर हम वैसे भी देखें तो स्पैरो की आवाज ही इतनी मीठी होती है कि हमें वाकई शुभ लगता है. हम सब चीजें भूल के स्पैरो की आवाज सुनने लग जाते हैं. कभी अकेले में बैठ के ऐसी आवाज आ जाए तो आपका बस दिन ही बन जाता है. पर हमने हमने बिल्डिंग्स जो बना दी हैं वो टिपिकली मैच बॉक्स टाइप ऑफ बिल्डिंग्स बना दी हैं जिसके कारण कि हमारे पास पैरों का नंबर कम होता जा रहा है क्योंकि उसको नेस्टिंग एरियाज नहीं मिलते. तो कुछ और पॉइंट्स हैं, केयर फ्री एटीट्यूड है, पीपल आर नॉट, आप तो आई हैव सीन जो यंग जनरेशन है वो तो काफी अवेयर होती जा रही है हमारे बर्ड्स के बारे में, बट फिर भी पीपल बहुत बिजी हो गए हैं अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने में और उसके कारण हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम उसकी स्पैरो के लिए भी कुछ कर पाए. और हमने अपने घरों को ऐसा बना लिया है कि स्पैरो वहां ना आ पाए. तो हमने उनके लिए कोई भी फीडिंग ग्राउंड्स नहीं छोड़े, हमने कोई भी रॉ रॉ मतलब बीज जो हम जिनके
जो सीड्स हैं स्पैरो खाते हैं वो भी नहीं छोड़े, और हमने पैक्ड एंड प्री क्लीन फ्रूट प्रोडक्ट्स, मीन्स अब आज की डेट में अगर आप सोचो तो आप कनक लाते हो कभी घर, मतलब कनक नहीं आते, सीधा आटा आता है, तो आटे में से हम सूखने ही नहीं डालेंगे तो आटे में से चिड़िया खाएगी क्या? सो दैट मे बी वन, दीज आर सम ऑफ द रीजंस। और इसके अलावा भी कुछ और भी रीजंस कहते हैं कि जैसे जो वाईफाई सिग्नल्स हैं हमारे, टेलीफोन के सिग्नल्स हैं, इनके कारण भी हमारी नंबर ऑफ स्पैरोस कम हो चुकी है। ये एक सर्वे किया था ये 2012 में, जब उन्होंने कहा कि आज की डेट में स्पैरो कितनी है। सो सी, इस समय तक स्पैरो फिर भी काफी सारी थी जब तक हमने इसको सर्वे किया, बट आज की डेट में आई डाउट। मैं आपसे एक बार कहूंगी कि आप अपने घर में सुबह 6 बजे उठ के कभी बाहर जाओ अगर आपको कभी स्पैरो मिले, पर ये सारा दिन नहीं दिखती है, स्पैरो आपको सुबह 6-7 के बीच में ही मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी अगर आप देखना भी चाहें तो भी। सो आपको उसी स्पैरो के टाइम पे उठ के जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या आपके घर के आसपास कहीं कोई स्पैरो है। ये एक पेपर हमने पब्लिश भी किया था, ये इस पे एक प्रोजेक्ट भी किया था, चेंजिंग एवियन बायोडाइवर्सिटी इन चंडीगढ़ एंड इंटरिम रिपोर्ट रिगार्डिंग डिसअपीयरिंग स्पैरोज एंड बायो लिटरेसी ऑफ इट्स रेजिडेंट्स। ये रवनीत, डॉक्टर रवनीत है, डॉक्टर भवनीत भारती हैं और मैं हूँ, हम तीनों ने ये एक पेपर के इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट किया था जिसमें हमने देखा कि हमारे पास कौन सी डाइवर्सिटी है और लोगों का एटीट्यूड क्या है उसके बारे में, स्पैरो के बारे में, और लोगों को कितनी अवेयरनेस है स्पैरो के बारे में। हमने अराउंड 3000 रेजिडेंट्स ऑफ चंडीगढ़ को किया था, बट हम करने का सोचा था कि 3000 रेजिडेंट्स के बाद से बात करेंगे, बट 1800 रेजिडेंट्स को क्वेश्चन करा गया। उसके जो क्वेश्चंस थे वो भी हमने हिंदी में भी बनाए थे, इंग्लिश में भी बनाए थे, और हमने रिस्पोंडेंट्स की एज मिनिमम 15 ईयर्स रखी थी और मैक्सिमम का हमने लिमिट नहीं रखी थी। और ये पहले जो हमने मेथोडोलॉजी की उसको 20 सब्जेक्ट्स के ऊपर प्री ट्रीट पहले प्री करा था, ट्राई किया था। तो हमने क्वेश्चंस पूछे थे, डेमोग्राफिक डिटेल्स क्या है इस एरिया की, रिकॉग्निशन ऑफ स्पैरो, क्या आप स्पैरो को पहचानते हैं, क्या आपने कभी स्पैरो देखी है, और आपका क्या कौन सी फेवरेट बर्ड है। और हम ये भी क्वेश्चन थे कि आपको पता है कि कितना डिक्लाइन हुआ, और हमने ये लाइकर्ट स्केल के ऊपर, ये एक स्टैट्स का स्केल है जिसके ऊपर हमने इसको स्टडी किया था कि क्या परसेप्शन आ रही है। तो विलिंगनेस, कितने लोग विलिंगनेस शो करते हैं कि हम भी कंजर्व करेंगे, आप में से भी अगर मैं पूछूं तो आप भी बताएंगे कि आप क्या, आप स्पैरो के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो हमने ये भी पूछा कि आप अपने लेवल पे कुछ स्टोरीज भी बता सकते हैं अपने स्पैरोज के बारे में। तो पहले हमने सोचा कि घर विजिट करके जाएंगे, बट वो हमारे से पॉसिबल नहीं हो पाया, घर में लोग बहुत कंफर्टेबल नहीं थे। फिर हमने मेथोडोलॉजी में चेंज किया, हमने प्लेग्राउंड्स में, कम्युनिटी सेंटर्स में, स्ट्रीट वेंडर्स को, या कॉलेज या मार्केट प्लेसेस पे ये क्वेश्चनिंग करनी शुरू की। जब हमने रिजल्ट्स देखा दिया तो देखा कि हमारा जो जो रिजल्ट्स थे वो मेनली एजुकेटेड वाला बंदा आंसर देना चाह रहा था, दूसरे वाले कह रहे थे हमें नहीं पता। और ये लिटरेसी रेट है, कितने मैट्रिक पास थे, कितने ग्रेजुएट थे, कितने पोस्ट ग्रेजुएट थे। सो यू कैन सी कि हमारे पास ग्रेजुएट लेवल काफी सारा था, मैट्रिक पास 17.24 ही था और जो पोस्ट ग्रेजुएट था वो 32% था। तो करंटली उन्होंने कहा कि पिजन्स 28, बायोडाइवर्सिटी परसेप्शन क्या है, और सबने पिजन्स के बारे में 28% लोगों को पता था, क्रोस 27% में उनको, स्पैरो 16%, मैना 10%। तो ये उन्होंने फ्रीक्वेंटली रिपोर्टेड था, बट जो स्पैरो उन्होंने हमें बताई, मुझे लगता है कि वो बैबलर्स के साथ कंफ्यूज कर रहे थे, क्योंकि बैबलर्स भी एक कॉमन बर्ड है जो आजकल काफी कॉमनली देखी जाती है, सेवन सिस्टर्स, और ये नॉर्मली आप फाइट करते हुए इनको आप इसमें पार्क्स में देख पाते हो। तो क्योंकि स्पैरो 16% चंडीगढ़ में नहीं है आज की डेट में, इवन इन एडिशनल, पर किसी ने भी हमें बैबलर्स के बारे में कुछ भी बताया नहीं। द रीजन कुड बी कि उनको इसकी रिकॉग्निशन नहीं होगी, ये बैबलर्स हैं, आप सबने शायद देखी होंगी ये बैबलर्स। 24% रिस्पोंडेड दे व्यूड स्पैरोज डेली,
विच वॉज नॉट अ वेरी ट्रू रिस्पॉन्ड, बिकॉज स्पैरोज को रोज देखना पॉसिबिलिटी नहीं है चंडीगढ़ में. 25% हैड नॉट सीन देम फॉर मोर देन 10 ईयर्स इन द नियर, मतलब लास्ट 10 साल से वो नहीं देख पा रहे थे उसको. और 19% उनने कहा कि हमने कभी एक बार एक आधी बार स्पैरो देखी है एज लोकल माइग्रेंट. और मिक्स पिक्चर जो थी वो चंडीगढ़ की हमारे सामने आई कि अब आज की डेट में हमारे पास चंडीगढ़ में बहुत कम एरिया में स्पैरोज हैं. तो इसमें अगर हम देखें तो सेक्टर 38 में, यस, मैंने अपने घर के पास स्पैरो देखी. 28 सेक्टर में देखी गई काफी सारी स्पैरोज. 43, 44, एक तंदूर है 8 सेक्टर में मार्केट के पास, वहां पर बहुत सारी स्पैरोज फ्लॉक्स में देखी गई. तो जो डिक्लाइनिंग स्पैरोज थे वो कहते कि यस, 10 साल में सबने एग्री किया कि 70% ऑफ द पीपल एग्री कि वो कम हो गई हैं. और 5% को तो पता ही नहीं था कि स्पैरो कम हो भी रही हैं या नहीं है. जब उनको बताया गया कि स्पैरोज कम हो गई हैं तो 5.75% लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, दूसरी चिड़िया आ जाएगी. 32% कह रहे थे कि नहीं, हमें इस बात का कंसर्न है. 30% अराउंड दे वर वरिड कि भी सच्ची इतना ज्यादा कम हुई है, और डिस्ट्रेस हो गए थे 11% के, और कहीं तो बिल्कुल हार्ट ब्रोकन हो गए थे कि यस, हमारे टाइम पे इसके बारे में कितनी सारी स्टोरीज थी. खुशवंत सिंह की भी एक स्टोरी है जिसमें उसकी वो बताता है कि उसकी नानी खाना डालती है चिड़िया को, और 12% के करीब शॉक हो गए थे कि हाँ, ये बहुत बड़ा कंसर्न है. इसके बाद जब हमने इसका देखा क्या क्या रीजन हो सकते हैं, तो लोगों ने बताया कि मोबाइल फोन्स, ऑटोमोबाइल यूज, पोल्यूशन, पॉपुलेशन एक्सपेंशन, लॉस ऑफ नेस्टिंग प्लेसेस, प्रीडेटरी बर्ड्स, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड लॉसेस इन देयर प्रेफर्ड फूड, दीज वर द रीजंस व्हिच वर गिवन. यस, दे वर वेरी ट्रूली सेड. और देखो, लॉस ऑफ नेस्टिंग प्लेस सबसे ज्यादा बोला गया, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन का सामने आया कि लॉस ऑफ नेस्टिंग प्लेस. हम नॉर्मली ये भी देखते भी हैं कि हमारी जो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज है लॉस ऑफ हैबिटेट के कारण कम होती जा रही है. सो कंजर्वेशन कैसे हो सकती है, अगर हम अगर नहीं भी हम कर पा रहे हैं उसको, दाना नहीं ला कर दे जा रहे हैं, तो हम कुछ बॉक्सेस जो उसके फूड है, कुछ बर्ड फीडर्स लगाएं, कुछ स्पैरो फ्रेंडली प्लांट्स लगाएं, जैसे कि हमारे पास बोगनविलिया है. बोगनविलिया जो भी कांटों वाला प्लांट होगा, वहां पर बर्ड अपने आप को सेफ समझती है क्योंकि वो वहां पर नेस्ट बना सकती है. हमारे यहाँ का किक्कर एक लोकल प्लांट है जो कि अगर आप अभी जो उन्होंने बर्ड बनाया है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने, जहाँ पे उसने बर्ड पार्क बनाया है, वहां पर भी बहुत सारा किक्कर लगा हुआ है. तो आप अगर देखोगे तो प्लांट जो लोकल प्लांट ऑफ द फॉरेस्ट जो पंजाब का चंडीगढ़ का है वो किक्कर है, तो उसमें भी हमारी स्पैरो काफी कॉमनली आ सकती है. तो ये हमें कुछ चीजें देख के काम करना पड़ेगा. और कुछ पेस्टिसाइड्स को तो डेफिनेटली हमें कम करना ही चाहिए. पेस्टिसाइड्स हमारे लिए, बर्ड्स के लिए, सबके लिए ही एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है. और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के बिना हम ये सब कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज हम ही चाहते हैं कि एक बर्ड नेस्ट अडॉप्ट करें, आप अपने घर के बाहर लगाएं, तो वो सब अगर हम मिलके कुछ कर पाएंगे तो ये हो पाएगा. तो इसमें अगर हम लाइकर्ट स्केल पे देखें तो 45% लोग कहते थे कि हमें तो बर्ड्स बहुत पसंद हैं, और 29% कह रहे थे कि हमें यस, फेयरली पसंद है बर्ड्स, यस दे आर गुड. 14% के करीब कह रहे थे थोड़ी बहुत हमें प्यार है, बट 12-13% ये कह रहे थे ठीक है, बर्ड्स ठीक है, इट्स ऑल राइट, पर और काम बहुत जरूरी है. तो अगर हम फेवरेट बर्ड का कॉल करा हमने कि आपकी फेवरेट बर्ड कौन सी है, तो सबसे ज्यादा फेवरेट बर्ड पैरट आई थी. ऑल्दो पीकॉक भी स्लो बिल्कुल पास ही था, बट पैरट केम आउट टू बी द मोस्ट फेवरेट बर्ड. उसके बाद कईयों ने कोयल, कोयल की आवाज बहुत मीठी थी, तो कोयल की के लिए भी 15% लोगों ने कहा. स्पैरोज के लिए हमारे पास 14% पीपल ने कहा कि हमारे को ये पसंद है. इसमें हमारा फर्स्ट जो बर्ड था फेवरेट वो हमारे पास पैरट आया, और सेकेंड जो था वो पीकॉक आया. ये कुछ स्टोरीज थी जो लोगों ने हमें लिख के दी कि हम छोटे होते थे तो हमारे चाइल्डहुड में
हम उनको ग्रेन डालते थे, दाना डालते थे, तो हमने देखा जैसे कि अरुण जी ने बिल्कुल स्टार्टिंग में डाला दाना, तो वो कितने अच्छे से उसमें ग्रो कर गया। तो ये एक हम गोल्डन टेम्पल गए तो वाकई वहां पर बहुत सारी स्पैरोस थी, और वहां पर बेरी के ऊपर बहुत सारी स्पैरोस थी। सी अगेन द प्लांट विच इज एसोसिएटेड इज हैविंग दिस थॉर्न्स इन इट। सो ये हमारा लास्ट स्लाइड है। टुडेज कॉमन स्पीशीज आर टुमोरोज थ्रेटन्ड एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज इफ टाइमली कंजर्वेशन इज नॉट इनिशिएटेड। सो इसके साथ आई वुड स्टॉप हियर। तो आई थिंक अब आप मेरे से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो भी पूछना चाहते हैं। जी मैम, बहुत आप ही 1 सेकंड का टाइम देंगे? मेरे को लगता है मेरा शायद स्विच ऑफ हो गया हुआ है, तो चार्जिंग नहीं बंद हो जाए, तो जस्ट 1 सेकंड। जी प्लीज मैम, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बताया है, और जो प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि रिसर्च के जरिए पता लगा कि बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं था स्पैरो के बारे में, जिनको पता था तो बहुत सारे लोगों की संवेदना भी उसके साथ नहीं थी, बहुत सारे लोगों की थी भी। तो ये इसके बारे में एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है जो हम लोग जब स्कूलों में पढ़ाने जाते हैं तो पूछा करते हैं बच्चों से। मैं बड़ा रिलेवेंट है आज फिर दोहरा रहा हूँ, आज भी हमारे साथ स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि जब आपको स्पैरो के बारे में पता लगता है कि स्पैरो चली गई, तो आसपास अभी और कितने बर्ड्स हैं जो जा रहे हैं आपकी ज़िंदगी में से और आपको पता भी नहीं है? तो आप हैरान होंगे मैम कि 90% लोगों को, बच्चों को बुलबुल तक नहीं पता था कि बुलबुल कैसी दिखती है। तो चिड़िया कैसी होती है, वो हर एक बर्ड को चिड़िया मान लेते हैं, तो चिड़िया के नाम से मशहूर हो गए हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं समझने वाली, साइंस के पक्ष से भी और समाज के पक्ष से भी। आपने बड़े सधे शब्दों में बहुत सारा कुछ हमें बता दिया, उसके गुणों के बारे में बता दिया, उसके हमारे लिए जीवन में महत्व के बारे में बता दिया, और क्यों हमारी ज़िंदगी से चली गई उसके भी ऊपर भी काफ़ी सारी चर्चा हुई। तो अब हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स, जो ऑडियंस जुड़ी हुई है, स्टूडेंट्स आई शुड नॉट यूज़ अ वर्ड हेयर स्टूडेंट्स, लेकिन जो ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी हुई है, उन ऑडियंस से हम लोग एक एक करके आग्रह करेंगे, अगर उनका कोई सवाल है तो वो अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। आप में से जो ऑडियंस में से अगर कोई अपना माइक ऑन करना चाहता है तो माइक ऑन कर सकता है और अपना सवाल पूछ सकता है। या आप अपनी कोई स्टोरी भी सुना सकते हैं, कोई जी आपने बिल्कुल, आपको स्पैरो के बारे में या चिड़िया के बारे में या किसी और बर्ड के बारे में भी कुछ कहना है, तो दिस इज अ प्लेटफॉर्म वेन यू शुड स्पीक। जी आप अपना कोई भी अनुभव है किसी भी तरह का, आपने कोई चाहे वो पिजन हो चाहे किसी और बर्ड के बारे में हो, किसी के बारे में आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हम 5 से 10 सेकंड तक वेट करेंगे, फिर मेरे पास भी कुछ सवाल है, मैं मैम से वो सवाल पूछूंगा। तो कोई कहना चाहता है? जी मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मैम मेरे पास जो सवाल आज आए हुए थे उसमें से लार्जली का मतलब आपने जवाब दे दिया, लोग ये जानना चाहते हैं कि वो गई कहाँ। सबसे पहले थी, जब हम कहते हैं कि थी, आधे लोगों ने तो देखा भी नहीं है कि थी यहाँ पे, तो उनको तो हवा में लगता है कि हाँ ऐसा हुआ करता था। तो वजह जो है, एक मोबाइल टावर के अलावा हमारे खेतों का खराब हो जाना, उनका खाना भी खराब हो जाना, तो ये भी हो सकती है, और उनके घरों को रहने के लिए घोंसला ही ना देना, कि वो घोंसला बनाते थे, तो अब हमने घर भी ऐसे बनाने शुरू कर दिए कि जहाँ वो घोंसला ही नहीं बना सकते, जो इन घोंसला बनाने के लिए जो मैटर चाहिए उनको, शायद वो मैटर भी उतना फ्रीली अवेलेबल अब नहीं होता। सो मे बी दैट कुड बी ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स। तो आपको अगर इसका निचोड़ निकालना हो, एक आम आदमी को समझाना पड़े कि भाई इस वजह से स्पैरो चलेगी या इस वजह से स्पैरो वापस आ सकती है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर हमने कोशिश की थी 38 में, कुछ दो चिड़िया थी हमने देखी, तो बेसिकली जब हमने उसको रिवाइव करना शुरू किया तो अब आज की डेट में 6 हैं, तो वो हो जाती है रिवाइव। पर जो हम दाना चिड़िया का भी लाते हैं उसको भी मैं धो के सुखा के फिर दे पाती थी, क्योंकि जी हम चिड़िया का दाना उसके ऊपर इतनी पेस्टिसाइड है कि वो जब हम देते हैं तो उसके एग्स का शेल नहीं रहता, तो वो ग्रो नहीं कर पाती है। तो अगर हम बर्ड फीडर्स लगाते भी हैं और बच्चों को कहते भी हैं कि दाना लाओ, तो हम दाना नॉर्मली वो बाजरा लाते हैं, बट बाजरा भी ये खा लेती है चिड़िया, कनक भी खा लेती है, पर हम इसको धो के नहीं देते तो फिर वो बात बनती नहीं है, वो फिर से नहीं चलती। तो एक पेस्टिसाइड भी एक बहुत बड़ा रीजन निकल रहा था उस सिचुएशन में। जी, ये बहुत बड़ी ही आपने कामयाब एक बात कही है, क्योंकि इस सवाल का जवाब हम भी काफ़ी देर से ढूंढ रहे थे। एक तो 2 से 6 हो जाना, यानी आपने वाकई कंजर्वेशन के मेजर का इस्तेमाल किया। दूसरा कि अगर हम बिना धोए दे रहे थे तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे थे, दिस इज वन ऑफ द वेरी ग्रेट रिसर्च फाइंडिंग। उसके बाद मेरे पास ये सवाल आया है कि
कि आपने जैसे फीडर कहा, आपने कहा कि हम ऐसे घोंसले इंस्टॉल कर दें जिसके अंदर वो आ जाए, तो घोंसले भी प्लास्टिक के ऊपर ही कुछ नकली लगाए होते हैं, उन्होंने फैदर वगैरह लगाए होते हैं, तो क्या वो कामयाब वाकई में होते हैं? जहां जहां लगाए क्या सब नहीं जगह कामयाब हुए हैं वो? नहीं वो काम घोंसले जो बनाने होते हैं हमें, वो स्पेसिफिकली बिल्कुल कलर को बिना यूज किए करने, ब्राउन कलर के, मतलब वो मर्ज हो जाने चाहिए इन द सराउंडिंग, वैसे वाले घोंसले बनाने चाहिए। कभी भी कोई भी चिड़िया अपना एक शार्प ब्राइट कलर वाले घोंसलों में नहीं देते हैं, बिकॉज वो उनके जो प्रीडेटरी बर्ड्स हैं उनको अट्रैक्ट करती हैं। तो हम जब भी वो बनाते हैं, पहले क्या होता था, वो हॉट लाइट बनाते थे और उसको रेड कलर ग्रीन कलर, नहीं हम ऐसे कलर नहीं यूज करते, हम ब्राउन कलर और पत्तों से ही उसको अगर हम पेंट करें, या पेंट भी क्यों करें, क्योंकि पेंटिंग से भी, पेंट से भी हमारे पास केमिकल्स निकलते हैं, तो रॉ स्याही से अगर हम बनाए घोंसले और उनको ऊंची ब्रांचेस पे लगाएं तो शायद थोड़ा असर होगा। और ये भी जो मैंने लगाए थे ये घर के अंदर लगाए थे, मतलब घर की जो बाहर वाला बालकनी है उस वाले एरिया में लगाए थे, जी, बाहर नहीं, पेड़ों पे नहीं थे वो, ये एक सवाल मैं अगला आपसे पूछना चाहूंगा कि एक तो आपने घोंसले बताया कि घोंसलों में भी कलर नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आज हम बाहर देखते हैं निकल के, किसी भी सड़क पे चले जाइए, किसी भी जहाँ पे कोई कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, तो घोंसले क्या पेड़ों को रंग दिया गया है, पेड़ों पे सजावट कर दी गई है, अलग अलग तरह के लड़ियाँ लगी मिलेंगी, कहीं लाइटें जल रही हैं, तो मतलब कहीं ट्रैफिक लाइट का जहाँ इंस्टॉलेशन है उसके पास ही पेड़ है तो वो आ गया, वो जरूरी हो अरे गया, जी तो कहीं तो एक कोई होटल है उसके बाहर ही लड़ी लगा के कर दी, कोई उत्सव हो रहा है वहां पे, तो इन सब का क्या कोई असर नहीं पड़ता? अरुण जी, कभी भी कोई भी पेड़ अगर रात को लाइट के अंदर रख दिया जाए, अगर उसको रात को लाइट देंगे तो उसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। फ्लावरिंग के लिए कॉन्टिन्यूस डार्क पीरियड चाहिए, कॉन्टिन्यूस एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डार्क पीरियड, सपोजिंग 8 घंटे का अगर उसने फ्लावरिंग इनिशिएशन के लिए नहीं चाहिए, डार्क पीरियड चाहिए तो चाहिए। अगर हम उसको लाइट दे देंगे, इवन फ्लैश ऑफ लाइट, अगर सिर्फ फ्लैश ऑफ लाइट भी डाल देते हैं उस पर, तब भी वो फ्लावरिंग नहीं करता। तो ये कुछ हार्डी स्पीशीज है जो अभी भी कर रहे हैं, पर नॉर्मली फ्लावरिंग ग्रेटली रिड्यूस कर जाती है उससे, बहुत ज्यादा रिड्यूस कर जाती है, तो ये कोई अच्छा प्रैक्टिस नहीं है। चलो कभी किसी शादी पे, किसी फंक्शन पे, कोई फेस्टिवल पे 2-3 दिन लगाई लाइट तो इट्स ऑल राइट फॉर द प्लांट ऑल्सो, क्योंकि आजकल वो ही थी, बट नॉर्मल जो हमारी जो हमारे पेड़ हैं जो कि बिल्कुल लाइट में ही रहते हैं बेचारे, उनके लिए काफी टफ टाइम होता है। ये हमारी जो अर्बन फॉरेस्ट्री है चंडीगढ़ में, जितने भी पेड़ हैं दे आर ऑलरेडी इन अंडर स्ट्रेस, दे आर ऑलरेडी अंडर स्ट्रेस। तो ये तो आपने बॉटनी की तरफ से जवाब दिया और बड़ा टू द पॉइंट और बड़ा क्लियर जवाब दिया कि भाई हाँ दे आर अंडर स्ट्रेस, अनऑक्सीस हैं, लेकिन साथ साथ पेड़ घर भी हैं, पेड़ उन पक्षियों का घर भी हैं जो हमारे आसपास मिलते हैं, तो जब घर सुरक्षित नहीं होगा, घर स्ट्रेस में होगा, तो घर में रहने वाले किस तरह से होंगे, वो भी थोड़ा सा अगर जिक्र करें तो। बिल्कुल हाँ, अगर हम पहले बात करें तो पहले जो मैना होती है थी, कितनी जोर जोर से शाम को इतनी ज्यादा आवाज आती थी। आज की डेट में भी कुछ कुछ एरियाज हैं जहां पर बहुत सारी चिड़िया होती हैं, रात को ची 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 आवाज बहुत तेज आती है, बट फिर भी वो जितने भी हमारी मेन रोड है उनके आसपास नहीं है, वो अंदर वाले घरों के पास जहाँ थोड़ी शांति हो जाती है वहां पर चिड़िया स्टेट में मानी जाती है। और हमारे यहाँ पर जो मैं बहुत ही ज्यादा फील करती हूँ, पता नहीं या तो समझ नहीं आती सबको कि प्रूनिंग कब करनी है, या पेड़ को प्रून करना अच्छा होता है पेड़ के लिए, अगर हम पेड़ की एक पर्टिकुलर अमाउंट तक प्रूनिंग करते हैं तो वो अच्छी होती है पेड़ के लिए, बट वो आजकल प्रूनिंग कर देते हैं। आजकल तो गर्मी बिल्कुल सिर पे है, आप देखो कितने सारे चिड़ी, चींटी से लेके छोटे मतलब फौना से लेके बड़े फौना तक सबका घर खत्म कर रहे हैं। ये प्रूनिंग होती है चंडीगढ़ में, प्रूनिंग का टाइम है अक्टूबर नवंबर, जब सर्दी आती है, जब थोड़ी धूप अच्छी भी लगती है, बट हमारा कभी नहीं वो उस समय प्रूनिंग करते। और इस बार हमारी मेरी बहस हो गई है 38 में कुछ ट्रीज है मलबरी के, मलबरी से लदे हुए पेड़ों की प्रूनिंग करती है, मैंने फोटो खींच के रखी है उनकी, मलबरी से लदे हुए पेड़ों की प्रूनिंग, तो मैं जाके लड़ाई करके आई कि भी चिड़िया को भी तो कुछ खाना है ना। बिल्कुल बिल्कुल, और मतलब ये अब ये इस खजाने को जो लुटते हुए देखा, कैसे देखा जाए, मलबरी से लदे हुए पेड़ों की प्रूनिंग अगर की जाए, मतलब आपने जैसे कहा अक्टूबर और नवंबर में प्रूनिंग का टाइम है, लेकिन आजकल जो प्रूनिंग की जा रही है
बड़े ही ऐसे विषय हैं जिसके बारे में सोचना पड़ेगा और हम सबको सोचना पड़ेगा, और बातचीत के जरिए, रिसर्च के जरिए, पब्लिकेशन के जरिए, इस तरह एक दूसरे से बातचीत करके ये सोचना ही पड़ेगा कि कैसे आगे काम चलाया जा सकता है। तो अगला मेरे साथ यही सवाल इससे जुड़ा हुआ है कि क्या कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं हम यहाँ बैठ के बातचीत कर रहे हैं, इस बातचीत का भी कोई असर तो निकलेगा, लेकिन आगे क्या क्या रोड मैप है हम लोगों के लिए? हमें जरूर जरूर थोड़ी सी अवेयरनेस हम अपने बच्चों को देंगे तो डेफिनेटली नेक्स्ट जनरेशन काम करेगी। आई रियली बिलीव इन नेक्स्ट जनरेशन। मुझे लगता है कि जो कमिंग जनरेशन है वो हमारे एनवायरनमेंट के साथ ज्यादा जुड़ी हुई है, उनको ज्यादा समझ है। आज की डेट में वो काफी काम करते हैं। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, अगर उनको कोई काम को कि नहीं नहीं ऐसा करो तो जल्दी करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उनकी कोई प्रॉब्लम आती है। मुझे तो मतलब वर्किंग विद यूथ इज बेटर देन जो आज की डेट में मैं देखती हूँ। तो हमें अपने यूथ को बिल्कुल हमें अवेयरनेस करना चाहिए, और इन ये हमारे एम्बेसडर की तरह अगर काम करें तो बहुत ही अच्छे से ये काम किया जा सकता जी जी बहुत जगह पे आप बहुत तरह के बगीचे भी लगाए जा रहे हैं, चाहे वो नानक बगीची के नाम से हो, चाहे मियावाकी फॉरेस्ट के नाम से हो, चाहे ऐसे और कई नामों से जो बगीचे लगाए जा रहे हैं चाहे उसमें हो, तो हम स्वागत करते हैं ऐसी सोच का भी, जो नई सोच आ रही है, नए नए रिसर्च पैटर्न्स आ रहे हैं, और मिक्स्ड वेजिटेशन का भी चल रहा है दौर, और हम दुआ करते हैं कि जल्दी ही मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर भी ध्यान दिया जाए जो वाइल्ड होते हैं, और जब जितने प्लांट वाइल्ड होंगे, बुशेस होंगी, उतने ही ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी और उतना ही ज़्यादा हमारे पास मौका होगा कि चिड़ियों को भी वापस बुलाने का। जी, तो आज हम, क्योंकि इस प्रोग्राम को हमने 3 हिस्सों में बांटा है, तो हम सारा हिस्सा आज ही कवर नहीं करते हैं, तो अब हम आज के हिस्से की कम्प्लीशन की ओर चलते हैं। मेरे पास यहाँ जो पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं एक एक करके उनको आवाज़ दूंगा, अगर उन्होंने अपनी बात कहनी होगी तो कहिएगा, नहीं तो फिर एक एक करके प्लीज़ हम मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आज की मीटिंग का यहीं तक होगी आपके लिए, और अगली जो 2 दिन बाद मीटिंग है, आज 23 तारीख है, 25 तारीख को फिर से हम लोग मिलेंगे। आपका स्वागत है, कोई कविता, कहानी, गजल, गीत, कोई आपका अनुभव जो चिड़ियों से जुड़ा हो, जो बर्डिंग से जुड़ा हो, एनवायरनमेंट से जुड़ा हो, बायोडायवर्सिटी से जुड़ा हो, आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि आप हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आवाज़ दे रहा हूँ आंचल जी, आंचल जी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं प्लीज़ माइक ऑन कर लें। सर, मैं अभी मेरे को लिखना है तो मैं बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगी। जी बिल्कुल, अगर मैं जिसका माइक ऑन करने की बात करूं, वो माइक ऑन करके अपनी बात कह के तो मीटिंग वो लीव कर सकते हैं, मैं और कमलप्रीत जी सबसे लास्ट में मीटिंग छोड़ेंगे। जी, तो मेरे पास एक 1038 आंचल भी लिखा हुआ है, आप प्लीज़ माइक ऑन कर सकते हैं, और अपना सवाल कोई अगर पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। जो कुछ नहीं कहना चाहेंगे तो मेरी आवाज़ के बाद वो मीटिंग लीव कर सकते हैं, सो दैट कि हम ये मार्क कर लें एंड में कि अब हमारी मीटिंग का जो है पूरा काम खत्म हो चुका है। एकलव्य अगर कुछ कहना चाहते हैं तो। नो सर, थैंक यू। हाँ जी, और उसके बाद मेरे पास कुलदीप कुमार जी हैं, अगर वो कुछ कहना चाहते हैं तो। नो सर, जी प्लीज़, तो आप जो जो नहीं कुछ कहना चाहते हैं प्लीज़ उनके लिए मीटिंग का हम समाप्त करते हैं, प्लीज़ आप अपनी मीटिंग छोड़ सकते हैं। उसके बाद लोब जेंग के नाम से मेरे पास आईडी है। सर सर, तो मैं बेसिकली लद्दाख से हूँ सर, जी आपका बहुत तो सर स्वागत है। जी मुझे, ओके थैंक यू सर। तो सर पहले मुझे नहीं पता था कि मतलब यहाँ पे स्पेरोस का मतलब कंसर्न है उसका, तो जैसे कि मैं लद्दाख से हूँ तो वहाँ पे बहुत सारे स्पेरोस पाए जाते हैं सर, तो बेसिकली मेरे घर पे ही बहुत सारे स्पेरोस है, गार्डन्स में भी स्पेरोस है, तो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, हमें ये जानकर यस बहुत सर। ही खुशी हुई। और मैं आपको ये बताऊं कि हमारा एक ग्रुप है जिसमें हम बायोडाइवर्सिटी को डॉक्यूमेंट करते हैं, इन्वेंटराइज करते हैं, उस ग्रुप का नाम है नेचुरल बायोडाइवर्सिटी, फेसबुक के ऊपर ग्रुप है, आप उस ग्रुप को देखें, और अगर आपके पास ऐसी तस्वीरें हैं जिससे आप दुनिया को बताना चाहते हैं कि ऐसे जीव भी होते हैं, ये उनका हैबिट है, हैबिटेट है, तो आप ग्रुप में ज़रूर हमसे शेयर कीजिए। तो डाउन द लाइन एक, यस यस सर, आई थिंक आई हैव सम वीडियोस ऑफ स्पैरोस इन आवर गार्डन्स। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप ज़रूर उस ग्रुप में शेयर करें, मैं अगली मीटिंग में उस ग्रुप का एक डेमो भी दे दूंगा, प्रैक्टिकल डेमो भी दे दूंगा। जी यस सर, आप ग्रुप का लिंक सेंड कर दीजिए सर। थैंक मैं यू कर सो दूंगा। मच, जी जी थैंक यू सो मच कॉल प्लीज मैम।
थैंक यू लवली, मैं आपको दे दूंगी उसका लिंक, मैं दूंगी आपको। जी, तो उसके बाद मुस्कान जी हमारे थैंक साथ यू हैं। सर। जी बहुत धन्यवाद आपका। मुस्कान जी हमारे साथ हैं। मुस्कान जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक्चुअली सर, आई एम बेसिकली फ्रॉम हिमाचल। हमारे घर में पहले स्पैरो आती थी, वो वहां पे घोंसला बनाती थी, लेकिन अब थोड़े साल हो गया वहां पे कोई स्पैरोज नहीं आती ना कोई घोंसला बनाती है, मतलब खत्म हो रही है वहां पे धीरे धीरे। तो आपने ये आपके ऑब्जर्वेशन है कोई कि किस वजह से, क्या मोबाइल टावर नए लगे हैं, वहाँ खेती बाड़ी बदली है, कोई वातावरण बदला है, तो आपको क्या लगता है क्यों नहीं आते हैं? यस सर, वहाँ पे बहुत सारे पेड़ कट रहे हैं और जो हमारे घर के पास जंगल है वहाँ पे आग लग जाती है, लोग आग लगा देते हैं और बहुत जल्दी पेड़ खत्म हो रहे हैं, दैट्स व्हाई। तो वेजिटेशन का खत्म हो जाना एक आपको मेन कारण लगता है क्या? आपके यस एरिया सर, में खेती बाड़ी पर भी कोई असर पड़ा है, कोई बदलाव आया है? नो सर, बट जैसे हमारे वहाँ पे बहुत सारे जंगल हैं तो वहाँ पे लोग आग लगा देते हैं, जैसे जिनके आसपास घर है तो फिर वो आग बुझती नहीं और लोग पेड़ भी बहुत काट रहे हैं वहाँ पे। ये बड़ा ही दुखदाई है मुस्कान जी कि ऐसा हो रहा है, और ऐसा हो रहा है, ये फैक्ट है कि ऐसा हो रहा है। हम तो इस प्रोग्राम के जरिए सभी को यही अपील करेंगे कि एक हम भुगत भोगी हैं सब लोग, हमें अपने ही घरों से डिस्प्लेसमेंट करने की एक चीज़ है, इतने जीव जंतुओं को, इतने पेड़ पौधों को जो तकलीफ अभी हम लोग दे रहे हैं, अल्टीमेटली ये घूम फिर के हमारे पास ही आनी है, हमें ने झेलनी है, झेल रहे हैं। तो हम तो यही सभी से दुआ करेंगे, उम्मीद करेंगे, उनको कहेंगे कि भाई अपनी ये जो जीव आप जंतुओं की संख्या है इसको बढ़ाइए, इसकी विविधता को बचाइए, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर थोड़ा सर, ध्यान दीजिए। जी सर एक क्वेश्चन पूछना था सर। जी जी बोलिए बोलिए, बिल्कुल बोलिए सर। जैसे कि लद्दाख में जो स्पैरोस है उनकी संख्या मतलब ठीक ठाक ही है मेरे ख्याल से, तो जो आने वाले फ्यूचर में हम उन्हें कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि जिस रीजन से अभी बाकी जगह पे यहाँ पे मतलब एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, मतलब एक्सटिंक्ट तो नहीं कहूंगा बट बहुत ही मिल बढ़िया रहे आपका हैं यहाँ प्रश्न पे। है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, मैं चाहूंगा कि कमलप्रीत मैम ही इसका पहले जवाब दें। लॉबसन, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके वहां स्पैरोस हैं, तो आपने इतना ही करना है कि कुछ दाने उनके लिए भी छोड़ें, जैसे कुछ हर घर में यस मैम, वो तो हम यस मैम के करते हैं, दाने सुखा के दें, बिना बिना पेस्टिसाइड रिमूव किए ना दें, और अगर हो सके, अगर आपको लगता है कि उनके नेस्टिंग ग्राउंड्स भी कम होते जा रहे हैं तो कुछ आर्टिफिशियल बर्ड फीडर्स लगाएं, आजकल वो जूट के भी मतलब वो क्वायर के भी बनते जा रहे हैं बर्ड फीडर्स, वो छुप भी जाते हैं वो फिर भी अच्छे हैं। सो कुछ ये दो तीन एफर्ट करने से आपके वहां पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि चिड़िया आपके घर के साथ लिंक्ड है तो आपके घर में ही वो आएगी, वो फॉरेस्ट एरिया में नहीं होती है, चिड़िया फॉरेस्ट में वुड्स में नहीं होती है, वो हमारे घरों में होती है। स्पैरो का ये टिपिकल पॉइंट है, इसको हम इसीलिए हाउस स्पैरो कहते हैं। तो घरों में कुछ जो छोटे छोटे पेड़ हैं, जो आपके पेड़ हैं उनके अंदर छुपा के कहीं उनके नेस्टिंग ग्राउंड्स लगाइए, और उनका दाना जरूर रखिए, दाना yes, ये उनके लिए लोग से ये बहुत ही अच्छा yes, लगा। जो उनका नेस्टिंग है मैम वो ज्यादातर काउ डंग्स के अंदर वो लोग रहते हैं, वो पंछियां रहती है यस मैम, और बिल्कुल पेड़ पर भी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो लोबजंग जैसे आपने बताया कि जहाँ वो रहती है उस तरह के स्ट्रक्चर्स को बचाना चाहिए, और उस तरह के स्ट्रक्चर्स चाहे वो हमारी आज धरोहर बन गई हैं, अब तो प्राचीन कहने लग गए हैं हम लोग, हालांकि काफ़ी ज़्यादा पुरानी बात तो नहीं है, लेकिन अब मॉडर्नाइजेशन इतने तेज़ी से हो गया है, कंक्रीट इतनी तेज़ी से बढ़ गया है कि हमें वो चीज़ें पुरानी लगने लग गई हैं, प्राचीन लगने लग गई हैं, लेकिन वही एक जगह है, वही ऐसी जगहें हैं जहाँ पे चिड़िया रहती है। तो जहाँ पे आपने आइडेंटिफाई किया कि इस तरह के माहौल में रहती है, इस तरह के स्ट्रक्चर्स में रहती है, वहाँ पे उसने ढला हुआ है, तो उन स्ट्रक्चर्स को बचाना भी चाहिए और उस तरह के स्ट्रक्चर्स को ही डेवलप करना चाहिए, यही मेरे को लगता है कि चिड़िया को बुलाने का एक सहज तरीका हो सकता है, चाहे तो टॉप की मंजिल पर कह लीजिए या आस पास कह लीजिए, कोई खुले मैदान में कह लीजिए, पर ऐसी जगहें होनी चाहिए जहाँ पर वो चिड़िया भी रह सके। ये अनफॉर्चुनेट है कि अतिक्रमण इतना बढ़ चुका है आजकल इंसान का, मैं अपने आस पास हम देखें तो हमने खैर छोड़ा ही क्या है, ये भी अब तो काउंट करना पड़ता है कि हमने छोड़ा ही क्या है, तो जो छोड़ा ही है उसके ऊपर भी कितनी नजरें लगी रहती हैं, यही दुर्भाग्य की बात है। लोबजंग बहुत ही अच्छा जी लगा सर, बिल्कुल थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा लगा, आपने प्रश्न भी पूछा और आपने उसके बाद जो बात की कि कैसे करें, तो मुझे लगता है कि जब आप वापस वहां पे जाएंगे तो जरूर अपने बाकी साथियों को भी संगियों को भी कहेंगे कि इस वजह से हमें इसको बचाना है और आगे बायोडाइवर्सिटी के ऊपर काम करना है।
आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कि हम दोबारा फिर मिलें भी और इस बारे में आगे बातचीत करें। ओके थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू लव सर, जी थैंक जी यू। उसके साथ मेरे पास एक आईडी है, मैं शायद प्रोनाउंस प्रॉपर ना कर पाऊँ, TSERANG करके, सेरिंग 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 जी, मैंने इसलिए प्रोनाउंस नहीं किया कि मैं नाम गलत ना बोल दूँ, सेरिंग। आप कुछ कहना चाहेंगे तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं प्लीज। सेरिंग, अगर आप कुछ चिड़िया के बारे में बात करना चाहते हैं, स्पैरो के बारे में, जी मेरे सेरिंग ख्याल में से, लेक में क्या था, मुझे लगता जी है जी इसमें मेरे ख्याल से हम लोग वक्त के उस हिस्से में आ पहुंचे हैं जहां मैं अपनी लाइव ऑडियंस से, फेसबुक के ऑडियंस से एक बार विदा लेता हूं, और हम लोग बने रहेंगे अपने मीट के ऊपर, और फिर दोबारा वहां एक बात करेंगे। तो मैं जितने भी लाइव ऑडियंस देखने सुनने वाले हैं जिन्होंने मैं फेसबुक पे ज्वाइन किया, आज की जो मीटिंग हमारी रही, जो वार्ता रही, बहुत ही यूज़फुल रही। ये सभी को दिखाएं, अपने आसपास के लोगों को दिखाएं, अपने आसपास के बच्चों को स्कूल में दिखाएं, टीचर्स को दिखाएं, आसपास जितने भी नेबर्स हैं उनको दिखाएं, ताकि सबको समझ आ सके कि हम क्या मिस कर रहे हैं। अरुण बंसल, सोशल सब्सटेंस से अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।